आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एकदम सिंपल और नए तरीके से बर्फी की रेसिपी। आप इस रक्षाबंधन इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना, आपको बहुत पसंद आएगा। सो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है पैन और इसमें ऐड करी 1/4 कप सूजी। तो आप यहाँ पर बारीक वाले सूजी का यूज़ करना एंड अगर मोटा वाला तो उसे एक बार ग्राइंडर जार में चला लेना, वो बारीक हो जाएगा। तो यहाँ पर कम से कम हम 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर सूजी को रोस्ट करेंगे, एकदम कच्चापन निकल जाना चाहिए। तो चलिए 2 मिनट के आसपास हो चुका है एंड नेक्स्ट अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ बेसन। तो बेसन मैंने यहाँ पर 3/4 कप लिया है, मतलब सूजी और बेसन मिलाकर आपको टोटल 1 कप यूज़ करना है। तो वापस हम कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए भूनेंगे लो फ्लेम पर, मतलब तब तक भूनना है जब तक जो बेसन उसका कच्चापन ना निकल जाए एंड एक अच्छा से इससे खुशबू आने लगे, जैसे कि बेसन भूनने के बाद आता है। तो चलिए देख सकती हूँ काफ़ी अच्छा इसमें कलर आ चुका है। सो इस स्टेज पर मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 कप से थोड़ा सा कम मलाई, जो कि डेली दूध के ऊपर बैठ जाता है। 2 से 3 बार करके हम ऐड करेंगे एंड मिक्स कर लेंगे। एंड आप चाहो तो यहाँ पर खोआ का भी यूज़ कर सकते हो, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। बट आज मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रही हूँ, जो कि सारी चीज़ आपके घर पर अवेलेबल होगी। एंड नेक्स्ट अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 से 3 बड़े चम्मच इतना घी। तो मैंने यहाँ पर मेल्ट करके ऐड किया है, आप चाहो तो बटर का भी यूज़ कर सकते हो, बट अनसाल्टेड बटर का यूज़ करना। तो फाइनली ये देख सकते हैं भूनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। सो इसे साइड में रखेंगे एंड नेक्स्ट मैंने यहाँ पर एक दूसरा कढ़ाई लिया और इसमें ऐड करी हूँ 1 कप इतना चीनी और साथ में ही 1/4 कप इतना पानी। तो दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपको एक तार की चाशनी बनानी है एंड यहाँ पर मैं फ्लेवर के लिए ऐड करी हूँ 1/2 छोटा चम्मच इतना इलायची का पाउडर एंड आप चाहो तो कोई दूसरा फ्लेवर भी यूज़ कर सकते हो। तो बस एक बार मैं यहाँ पर चेक कर रही हूँ, यह अभी हल्का सा चिपचिपा हुआ, तो वापस से हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए और पका लेंगे। एंड फाइनली देख सकते हो ये एक तार की चाशनी बन गई है। तो हमारा जो बेसन और सूजी का मिक्सचर था उसे ऐड कर देंगे एंड पकाना स्टार्ट करेंगे कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए। तो चलिए देख सकते हो ये काफ़ी अच्छे से इकट्ठा हो गया एंड मिक्स हो गया। तो एक बार मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ कि आप कैसे इसे चेक कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी लिया है एंड जो ये बेसन का मिक्सचर इसे ऐड करेंगे। तो देख सकते हो ये इकट्ठा होना स्टार्ट हो चुका। तो इस स्टेज पर हम कर देंगे फ्लेम को ऑफ एंड नेक्स्ट मैंने यहाँ पर एक ट्रे लिया, इसे अच्छे से घी से ग्रीस कर लेंगे एंड जितना भी मिक्सचर है उसे यहाँ पर हम ट्रांसफ़र करेंगे। एंड ऊपर से मैं यहाँ पर डेसिकेटेड कोकोनट स्प्रेड कर रही हूँ, ये ऑप्शनल, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। एंड अभी इसे हम पीसेज में कट कर लेंगे, क्योंकि ये हार्ड होगा तो बिल्कुल भी नहीं कटेगा। तो मैं यहाँ पर स्क्वायर पीस कर रही हूँ, आप चाहो तो यहाँ पर कोई दूसरा शेप दे सकते हो। एंड ऊपर से ऐड करी रोज़ पेटल्स और साथ में ही बारीक कटा हुआ पिस्ता, इसका लुक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप अपने तरीके से इसे डेकोरेट कर सकते हो। तो बस ये बिल्कुल तैयार है, आप इसे इस रक्षाबंधन ज़रूर से ट्राई करना, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। देख सकते हो एकदम खास्ता तैयार हुआ, जैसे मैसूर पाक आप खाते हो बिल्कुल उस तरीके का ही, लेकिन बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया है। सो सबसे पहले हम यहाँ पर छेना निकाल लेंगे। मैंने यहाँ पर 1 kg दूध लिया है। सो इसे बस 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पर चढ़ा देंगे ताकि ये बस हल्का सा गुनगुना हो जाए। तो अब आप देख सकते हो मैं इसमें उंगली डिप करके देख रही हूँ, ये हल्का सा गुनगुना हो चुका है। सो अब इसे हम फाड़ लेंगे। सो फाड़ने के लिए मैं यहाँ पर छीनी का पानी का यूज़ कर रही हूँ, जो कि फाड़ने के बाद ग्रीन वाला निकलता है। इसे कैसे स्टोर करें मैंने रसमलाई वाली वीडियो में बहुत अच्छे से बता दिया है। सो उसका लिंक मैं आपको आई बटन और इंड स्क्रीन में दे दूँगी, सो आप उसे चेक कर लेना। एंड फाइनली जो हमारा दूध है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से फट चुका है, हरा वाला पानी अलग हो चुका है। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। सो काफ़ी जो एक्स्ट्रा पानी है उसे मैं ऐसे ही पहले बॉल में निकाल ले रही हूँ। एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पर कॉटन का एक कपड़ा ले रही हूँ। सो अब जितना भी छेना और पानी बचा है उसे मैं ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ। एंड अब जितना भी एक्स्ट्रा पानी है छेने में उसे मैं निकाल ले रही हूँ। एंड नेक्स्ट साफ़ पानी से इसे 2 से 3 बार धो लेंगे ताकि जितना भी इसमें खटास हो वो निकल जाए। तो चलिए अब मैं इसे स्टेनर पर रख दे रही हूँ ताकि हल्का फुल्का जो एक्स्ट्रा पानी रहे वो निकल जाए। अब चलते हैं अगले प्रोसेस में। सो मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है और इसमें मिल्क ऐड कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर 2 कप इतना दूध लिया है। रबड़ी को थिक करने के लिए मैं यहाँ पर 5 चम्मच के आसपास मिल्क पाउडर ले रही हूँ, बट अगर आप चाहो तो थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में दूध लेकर उसे ही सुखा सकते हो। एंड नेक्स्ट अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 5 से 6 बड़ा चम्मच चीनी। आप अपने अकॉर्डिंग मीठा एडजस्ट कर सकते हो।
एंड मैं नेक्स्ट यहाँ पर 2 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ ड्राई फ्रूट ले रही हूँ। मैंने आज आलमंड और काजू लिया है और साथ में ही मैं यहाँ पर कुछ केसर की धागियाँ ऐड कर रही हूँ, जिससे कि एक अच्छा सा फ्लेवर आएगा और एक हल्का सा रंग भी आएगा। बट मैं वापस से यहाँ पर येलो फूड कलर ऐड कर रही हूँ, 3 से 4 ड्रॉप। आप यहाँ पर हल्दी भी यूज़ कर सकते हो, 1 से 2 चुटकी। तो चलिए अब इसे हम पका लेते हैं। तो पकाने के लिए मैक्सिमम आपको 10 से 12 मिनट लग जाएंगे। 10 से 12 मिनट मुझे पकाते हुए हो गया है। अब ये बिल्कुल परफेक्ट एक रसमलाई के लिए रबड़ी रेडी हो चुका है। सो अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दे रही हूँ और यहाँ पर फ्लेवर के लिए 5 से 6 ड्रॉप रोज एसेंस के ऐड कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर व्हाइट रोज एसेंस लिया है। आप कोई और फ्लेवर यूज़ कर सकते हो या फिर इसकी जगह पर इलायची पाउडर का भी यूज़ कर सकते हो। तो चलिए हमारा रबड़ी रेडी हो चुका है, अब चलते हैं अगले प्रोसेस में। अब हम छीना रेडी कर लेते हैं। सो कपड़े से मैं छीना को निकाल ले रही हूँ। आपको यहाँ पर एक बड़ा बर्तन लेना है ताकि आप छीनी को अच्छे से गूंद सको। इस छीनी को अप्रॉक्स मैं 15 से 20 मिनट के लिए हाथों की हथेली से अच्छी तरीके से मस लूंगी ताकि हमारा जो छीना वो बिल्कुल सॉफ्ट रेडी हो। 15 से 17 मिनट हाथों से अच्छे से मैश करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 छोटा चम्मच कॉर्नफ्लोर। आप चाहो तो मैदा भी यूज कर सकते हो। एंड वापस से मैं 3 से 4 मिनट के लिए और अच्छे से मैश कर ले रही हूँ। एंड लास्ट इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। तो बॉल्स बनाने के लिए आपको यहाँ पर अपनी हथेलियों पर छीना को लेकर अच्छे से दबाते हुए इसका बॉल्स रेडी कर लेना है। तो चलिए सारी को मैंने सेम प्रोसेस से रेडी कर लिया है, अब चलते हैं इसे पकाने की तरफ। सो मैंने यहाँ पर एक बर्तन में 4 कप पानी ऐड किया है और साथ में ही 1/2 कप चीनी ऐड कर रही हूँ। आप चाहो तो कोई और फ्लेवर भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, जैसे कि रोज एसेंस या फिर कोई और एसेंस। अब मैं इसमें छीना को ऐड कर रही हूँ। तो छीना को रेडी होने में अप्रॉक्स यहाँ पर 25 to 30 मिनट्स लग जाएंगे। सो आपको काफ़ी इंतज़ार के साथ इसे पकाना है। सो सबसे पहले 15 मिनट के लिए इसे हाई फ्लेम पर रहने देंगे। तो मैं बर्तन को ढक दे रही हूँ और कम से कम 12 से 15 मिनट बाद इसे एक बार और चेक करूँगी। सो 15 मिनट हो चुके हैं। अब आप देख सकते हो कि जो छीना का साइज़ है वो पहले से डबल हो चुका है। सो मैं यहाँ पर 1 कप इतना पानी ऐड कर रही हूँ, ये ठंडा पानी है। ठंडा पानी ऐड करने से जो हमारा छीना है उसका जो साइज़ है वो बिल्कुल बरकरार रहेगा। सो आप इस ट्रिक को ज़रूर से यूज़ करना। तो वापस से मैं ढककर और पका रही हूँ 10 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर। फाइनली जो हमारा छीना है वो अप्रॉक्स 25 मिनट्स के बाद कम्प्लीटली रेडी हो चुका है। सो यहाँ पर एक ट्रिक को और फॉलो करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक बॉल में ठंडा पानी लिया है और उसमें आइस क्यूब्स ऐड किया है। सो आपको अभी नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं बाद में आपको दिखाती हूँ। तो जितना भी छीना है वो सारे को मैं ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ ठंडी चिल्ड पानी में। लास्ट अब आप देख सकते हो बिल्कुल ठंडा पानी था। इसे अप्रॉक्स 1/2 घंटा के लिए हम फ्रिज में स्टोर करेंगे। एंड मैं अब आपको 30 मिनट्स के बाद दिखा रही हूँ। अब आप देख सकते हो जो हमारा छीना वो बिल्कुल परफेक्ट रेडी हुआ है। आप साइज़ को थोड़ा छोटा भी रख सकते हो। सो अब जो ये छीना है इसे मैं पानी से बाहर निकाल ले रही हूँ और जितना भी एक्स्ट्रा पानी है उसे निचोड़ लेंगे। एंड जिस भी बर्तन में आपको अंगूठी रसमलाई को सेट करना है उसमें ट्रांसफ़र करते जाएंगे। तो मैंने ये सारी छीनी को ट्रांसफ़र कर लिया है ट्रे में। अब मैं इसमें रबड़ी को स्प्रेड कर रही हूँ। एंड लास्ट मैं ऊपर से बारीक कटा हुआ ड्राई फ्रूट स्प्रेड कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। तो बस हमारा अंगूरी रसमलाई बिल्कुल तैयार है। आप इसे 1 से 2 घंटे के लिए फ्रीज में रेस्ट के लिए छोड़ो एंड उसके बाद आप इसे ठंडा ठंडा एंजॉय कर सकते हो। सो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 नारियल लिया है, ताज़ा नारियल, फोड़ कर अच्छे से इसे वॉश कर दिया है। एंड जो ये नारियल है इसका जो ब्लैक वाला छिलका है इसे हम निकाल लेंगे। तो आप चाहो तो इसे छील लो, पील कर लो या फिर आप चाकू की हेल्प से निकाल सकते हो। तो देख सकते हो काफ़ी इजीली निकल जाएगा एंड एकदम सफ़ेद पार्ट बचेगा सिर्फ। तो अब मैं इसे वापस से सभी को इसी तरीके से छील ले रही हूँ। एंड छीलने के बाद एक बार अच्छे से इसे वॉश कर लेंगे एंड छोटा छोटा कट कर लेंगे ताकि ईजिली पिस जाए। तो मैंने सभी को कट करके तैयार कर दिया। देख सकती हूँ कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में, उजला उजला। तो इसे अब हम ट्रांसफ़र करेंगे ग्राइंडर जार में। तो आप बड़ा वाला जार का यूज़ कर सकते हो ताकि एक बार ये पिस जाए, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि दरदरा पीसना है, मोटा पीसना, बिल्कुल फाइन या पीस सकते हो। एंड जब आप पीस रहे हो तो बीच बीच में चम्मच से चलाते रहना ताकि बराबर सभी जो नारियल के टुकड़े वो आसानी से पिस जाए। एंड फाइनली देख सकती हूँ काफ़ी फाइन मैंने यहाँ पर पीस कर तैयार कर लिया है। एंड अब नेक्स्ट एक पैन में ऐड कर रही हूँ 2 बड़ा चम्मच इतना घी। घी के साथ बनाना बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। एंड जितना भी ये नारियल इसे ऐड कर देंगे एंड 2 से 3 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। तो जब आप नारियल को भून रहे हो तो आपको बिल्कुल कंटिन्यू चलाना है, वरना ये नीचे से जल जाएगा एंड पूरा जो कलर वो ख़राब हो जाएगा। तो मैंने इसे 3 से 4 मिनट के लिए भूना है। एंड नेक्स्ट अब ऐड कर रही हूँ चीनी। तो मैंने यहाँ पर 1 कप चीनी ली है, अगर बीट से कहो तो 250 ग्राम के आसपास है। एंड मिठास आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो मुझे थोड़ा यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा था तो मैंने इसे कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर दिया है ताकि ये अच्छे से भून जाए एंड अच्छे से बर्फी हमारी तैयार हो जाए। एंड साथ में ही मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1 कप इतना दूध। तो जो दूध का मलाई होता है छाली उसे मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। ऐसा करने से आपको कोई खोआ या फिर मावा ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
तो सभी चीज़ों को अब हम पकाएंगे 7 से 8 मिनट के लिए। बट उससे पहले मैं यहाँ पर फ्लेवर के लिए ऐड कर रही हूँ रोज़ एसेंस। आप चाहो तो यहाँ पर इलायची का पाउडर यूज़ कर सकते हो या फिर कोई दूसरा फ्लेवर यूज़ कर सकते हो। और साथ में ही 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ, तो इससे बहुत अच्छी सी हमारी पेड़े में बाइंडिंग आएगी। एंड आप चाहो तो जो 5 वाला पैकेट मिलता 2 पैकेट वो यूज़ कर लेना। एंड मैंने यहाँ पर बिना चीनी वाला मिल्क पाउडर यूज़ किया है। अगर आप चीनी वाला यूज़ कर रहे हो तो फिर स्टार्टिंग में थोड़ा कम चीनी का यूज़ करना। तो अब हम इसे पकाएंगे कम से कम 20 मिनट के लिए। अगर कंटिन्यू चला रहे हो तो आप हाई फ्लेम पर पका सकते हो, बट अगर रुक रुक के चला रहे हो तो आप इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी जो नारियल है वो सटना स्टार्ट हो जाता है। एंड ट्राई करना कि आप कोई भारी तली वाली कढ़ाई लो ताकि ईजिली अच्छे से पक जाए, या फिर नॉनस्टिक का यूज़ कर सकते हो। तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ पूरे 20 मिनट के बाद, देख सकते हो ये बिल्कुल इकट्ठा हो चुका है। एंड साथ में इसका कलर देख सकते हो कितना प्यारा गोल्डन आया, एकदम अच्छे से पककर तैयार हुआ है। तो अब मैं इसे एक ट्रांसफर कर दे रही हूँ प्लेट में ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। एंड आप चाहो तो कढ़ाई में भी कर सकते हो, बट इसे अब चलाते रहना क्योंकि कढ़ाई भी बहुत ज़्यादा गर्म होगा। तो मैं इसे फैला दे रही हूँ एंड 2 से 3 मिनट के लिए रहने दे रही हूँ ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। एंड नेक्स्ट मैंने यहाँ पर एक कुकी कटर लिया है, इसे मैं अच्छे से घी से ग्रीस कर दे रही हूँ। एंड जो हाथ है उसे भी अच्छे से घी से ग्रीस कर देंगे ताकि जो मिक्सचर है वो बिल्कुल भी ना चिपके। तो मैं इस कटर की सहायता से ही बर्फी बनाऊंगी। एंड आप चाहो तो इस सेम मिक्सचर से लड्डू भी बना सकते हो, तो मैंने यहाँ पर पहले लड्डू का शेप दे दिया है। एंड जो ये कुकी कटर है इसमें प्लेस करेंगे एंड बिल्कुल अच्छे से इसमें बैठा लेंगे ताकि बिल्कुल पेड़ा का शेप आ जाए। एंड आप चाहो तो इस जो मिक्सचर है ट्रे में इसे जमा कर पीसेस में भी कट कर सकते हो, तो वो बर्फी का शेप ले लेगा। एंड चलिए अब मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ। देख सकते हो बहुत ईजिली निकल जाएगा। एंड ये सेम काम कर सकते हो किसी कैप से, बस उसे भी आप अच्छे से घी से ग्रीस कर देना ताकि ईजिली निकल जाए। एंड चलिए मैं एक हाथ से आपको बना कर दिखाती हूँ, हाथ से बहुत ईजिली बन जाएगा। बट अगर आप कुकी कटर या फिर कैप से बनाओगे तो सारा पेड़ा बिल्कुल एक जैसा तैयार हो, एकदम मार्केट की तरह। बस मैंने देखिए हाथ से भी बना लिया है और मैंने सारी को बनाकर बिल्कुल तैयार कर लिया। इसका लुक देख सकते हो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आप इसे 2 से 3 घंटे के लिए किचन प्लेटफॉर्म पर या फिर 1/2 घंटे के लिए फ्रीज में रखो, बिल्कुल परफेक्ट सेट हो जाएगा। एंड ये थोड़ा खासा हो जाएगा जैसे कि नॉर्मल पेड़ा मिलता है। तो चलिए मैंने इसे बहुत अच्छे से रेस्ट करवा दिया है एंड आपको एक तोड़ कर दिखाती हूँ। देख सकते हो कितना ज़्यादा अच्छा बना है, एकदम मौत मेल्टिंग है। तो आप एक बार ज़रूर से ट्राई करना इस रक्षाबंधन में, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। सो सबसे पहले मैंने यहाँ पर पैन में ऐड किया है 200 ml मिल्क। आप यहाँ पर खोला हुआ दूध या फिर कच्चा दूध दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। और साथ में 125 ग्राम चीनी ऐड कर रही हूँ। एंड आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग चीनी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो बस शुगर को अच्छे से हम मेल्ट कर लेंगे दूध के साथ में। एंड जब चीनी दूध के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए एंड एक उबाल आ जाए तो ऐड करेंगे मिल्क पाउडर। सो मैंने यहाँ पर 200 ग्राम मिल्क पाउडर लिया है, आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो। सो मैंने जो यहाँ पर मिल्क पाउडर यूज़ किया है ये बिना चीनी वाला है। एंड अगर आप चीनी वाला यूज़ कर रहे हो तो थोड़ा स्टार्टिंग में चीनी कम ऐड करना। तो बस थोड़ा थोड़ा ऐड करके इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सो मैंने यहाँ पर टोटल मिल्क पाउडर ऐड कर दिया है एंड अब लो टू मीडियम फ्लेम पर कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए पकाएंगे। एंड आपको कंटिन्यू चलाते रहना है वरना तली में चिपक जाएगा। एंड नेक्स्ट अब मैं यहाँ पर ऐड करी हूँ 25 ग्राम इतना डेसिकेटेड कोकोनट। आप चाहो तो यहाँ पर जो सूखा वाला नारियल हो तो उसे भी ग्रेट करके ऐड कर सकते हो, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो बस 3 से 4 मिनट के लिए और हम यहाँ पर पका लेंगे, कम्प्लीटली ठंडा कर लेंगे। एंड नेक्स्ट हाथों में हल्का सा घी ग्रीस कर लेंगे ताकि चिपके ना। एंड जो ये बर्फी का मिक्सचर है इसे हम अच्छे से यहाँ पर एक बार गूंद लेंगे ताकि बिल्कुल स्मूथ हो जाए। 2 से 3 मिनट आपको लगेगा एंड बहुत जल्दी ये स्मूथ हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर जो हमारा पीड़ा का डो है बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो इसमें मैं छोटी छोटी लोई निकाल रही हूँ एंड इसे गोल कर लेंगी एंड पीड़ा का शेप दे देंगी। एंड आप चाहो तो इसे किसी ट्रे में जमा भी सकते हो एंड पीसेस में कट कर सकते हो, वो भी देखने में बहुत अच्छा लगेगा। एंड मैंने यहाँ पर देखी पीड़ा का शेप बना लिया है, इसे आप डीप करेंगे डेसिकेटेड कोकोनट में। एंड आप चाहो तो ड्राई वाला जो कोकोनट है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो ग्रेट करके। एंड इसका लुक देख सकते हो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। तो बस आप भी इसे इस रक्षाबंधन ज़रूर से ट्राई करना, बहुत मज़ेदार रेसिपी है। एंड अगर रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड चैनल पढ़ना है तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कर लो। मैं तो नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय।